मैं रमा गुप्ता, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार बैठक घर कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन, बैठक घर का जो प्रवेश द्वार होता है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी उसका जो दरवाजा होता है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर भी आप उसका दरवाजा रख सकते हैं, ये शुभ होता है, अच्छा होता है। नंबर टू, यदि आप टीवी लगाते हैं आप बैठक घर में, तो आप उसको दक्षिण दिशा में लगाइए या पश्चिम में भी आप उसको लगा सकते हैं। बैठक घर में आपको बहुत ही उपयोगी हम बात बता रहे हैं कि आपको उसमें बैठक घर जो आपका है उसमें आप स्त्रियों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। नंबर फोर, महाभारत और लड़ाई वाले झगड़े वाले चित्र भी नहीं लगाने चाहिए, उसका गलत असर होता है। नंबर पांच, अगर आप कूलर और एसी वगैरह अगर लगाती हैं आप बैठक घर में, तो आपको पश्चिम दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। नंबर छह, बैठक घर की दीवालों का कलर आपको कैसा रखना चाहिए? आपको बैठक घर की दीवालों का कलर आप सफेद रख सकते हैं, पीला नीला रख सकते हैं, हरा रख सकते हैं, मगर लाल और काला कलर को आपको नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको कुछ जरूरी बात हम ये बताने चाह रहे हैं कि जैसे कि कोई जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने के बाद मकान बनवाता है, कुछ दिन तक तो वो सूट करता है, फिर वो सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस घर का वास्तु शास्त्र ठीक नहीं है, या उस घर का खिड़की गलत है, दरवाजा गलत है, या आपका खाना बनाने का किचन गलत है। खाना बनाने का किचन जो होता है उसका असर पूरे घर में और मालिक तक पर पड़ता है, ये आप समझ लीजिए। खाना बनाने का जो स्थान होता है वो पूरब के तरफ ही होना चाहिए, कि पूरे घर का मेन हेड ऑफिस जो होता है वो किचन ही होता है, इसलिए किचन बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए। हम ये वास्तुशास्त्र के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि आप जमीन खरीदते हैं तो वो भी आप वास्तुशास्त्र उसका देख लें तब जमीन खरीदें। बने बनाए लोग मकान खरीदते हैं, मकान खरीदने के बाद उस घर में ताला ही लगा रह जाता है, वो मकान भी सूट नहीं करता। इसलिए जब भी मकान या जमीन आप खरीदें तो उसका वास्तुशास्त्र जरूर देखें, तभी उस मकान को खरीदें। कभी कभी क्या होता है, लोग दुकान बनी बनाई दुकान खरीद लेते हैं, किराए पे दुकान ले ली या ऐसे भी अपनी दुकान कर ली, तो वो दुकान कुछ दिन तक तो चलती है, फिर उसके बाद वो दुकान भी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वास्तुशास्त्र नहीं सही है। इसलिए अगर आप वास्तुशास्त्र अगर देख के मकान, दुकान, घर, जमीन लेंगे तो आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा और फायदा ही होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरा जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। नमस्ते।